चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को ऐसे ही बॉलीवुड फिल्मों का दबंग नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब भी सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है हमेशा एक नया रिकॉर्ड बनाती है। इसी कड़ी में दबंग सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना चालू कर दिया है। सलमान खान की खासियत एक और है, क्योंकि इनकी फिल्में इंडिया में तो बम्पर हिट होती है, साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अच्छी खासी कमाई करती है। टाइगर जिंदा है ने भारत में रिलीज होते के साथ साथ ही पाकिस्तान में भी बम्पर कलेक्शन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने पाकिस्तान में हाउसफुल चल रही है। पाकिस्तानी कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक इंडियन रुपीज के हिसाब से करीब करीब 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है, जो कि शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल से ज्यादा है। आपको बता दें कि तभी तो सलमान खान फैंस पाकिस्तान में भी ज्यादा होते चले जा रहे हैं। फिल्म में कटरीना कैफ का एक्शन अवतार पाकिस्तानी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ सलमान खान और कटरीना कैफ पर फिल्माया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत पाकिस्तानी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी टाइगर जिंदा है का कलेक्शन 50 करोड़ के ऊपर जा सकती है।